Good afternoon, dear student. Welcome on GMAT platform. I am your biology teacher, myself, Archana. कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग आज का मोस्ट अवेटेड सेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द PYQ MCQ क्वेश्चन ऑफ सेल्स स्टार्ट करेंगे, जो बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैम YouTube पे स्टार्ट करिए. तो आज से स्टार्ट हो गया है सेशन. सब लोग जुड़ जाएं, लाइव आ जाएं और सेशन इन्जॉय करें. बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे, हर एक चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए. अब आपकी साइंस समस्या नहीं, बिल्कुल समाधान बनने जा रही है. तो लेट मी स्टार्ट. सो कैन आई स्टार्ट आर नॉट? चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने GMAT प्लेटफॉर्म पे ही. फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों. देखिए एज इजी एज कॉमेंट नहीं सो रहे भी, ठीक है. चलिए सब हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? हु क्वाइन द टर्म बायोलॉजी? बायोलॉजी शब्द किसने क्वाइन किया है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है. दैट इज द एरिस्टोटल. सेकेंड इज थियोफ्रेस्टस, लेमर्क एंड ट्रेविनेरोशिया, ऑल ऑफ देम. गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून. चलिए तो हम लोग देखते हैं किसने क्वाइन किया, हु क्वाइन द बायोलॉजी वर्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं अरिस्टोटल ने क्या किया, क्योंकि इनको लेके बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है. ए बता रहे हैं बच्चे, ए वाले बच्चे नहीं है. देखो जो आपका बायोलॉजी टर्म क्वाइन किया है वो किसने किया है? लेमार्क एंड ट्रेविनेरोस ने. बिल्कुल बेसिक, अरस्तु को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी. क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है ना. और साथ ही साथ इनको एक और नाम से भी बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, है ना. इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है. लेकिन जो आपका बायोलॉजी टर्म दिया है ये किसने दिया है? लेमार्क एंड ट्रेविनेरोस ने. थियोफ्रेस्टस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं, है ना. किसके नाम से? फादर ऑफ बॉटनी के नाम से. शुड बी क्लियर दैट कि सबसे पहले बताने का काम किसने किया? अभिषेक, ऋषिका, शोली. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही बात है. अरस्तु को क्या माना गया है? फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है. थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी. लेकिन जो वर्ड क्वाइन किया है प्यारे बच्चों वो किसने किया है? लेमार्क एंड ट्रेविनेरोस ने. बहुत सही बच्चे, लेमार्क एंड ट्रेविनेरोस ने. ठीक है, हम लोग यहीं पे देखते हैं बायोलॉजी मीन्स क्या होता है. क्या होता है? बायो दैट मीन्स लिविंग, है ना, लिविंग थिंग्स. एंड लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी. स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द बायोलॉजी. ये बेसिक किसने बताया है? एरिस्टोटल ने. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिका एनिमेलिया बुक बहुत बार पूछी जाती है, किसने दिया है? हिस्टोरिका एनिमेलिया बुक के लेखक कौन है? क्या थियोफ्रेस्टस हैं, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, एल्टमैन? हूज बुक इज द हिस्टोरिका एनिमेलिया? हाँ बिल्कुल बच्चे बता रहे हैं सी. बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए, हिस्टोरिका एनिमेलिया किसने दिया है बच्चे? हिस्टोरिका एनिमेलिया आपकी किसकी है? एरिस्टोटल की बुक है. एरिस्टोटल की बुक कौन सी आई थी? हिस्टोरिका एनिमेलिया. इसमें इन्होंने 500 से लगभग 1000 स्पीशीज के बारे में अध्ययन किया और बताया कि हमारे इस वातावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, छोटे मोटे, लंबे छोटे, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, इसमें इनका वर्णन किया. बिल्कुल थियोफ्रेस्टस की आई थी हिस्टोरिका प्लांटेरियम. क्या आई थी बच्चे? हिस्टोरिका प्लांटेरियम जो बुक आई थी वो किसकी आई थी? आपके थियोफ्रेस्टस की आई थी. रॉबर्ट हुक ये किससे संबंधित है बच्चे? रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? सेल. सेल के बारे में बताने का श्रेय, कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया था किसने? रॉबर्ट हुक ने बताया था. हाँ अल्टमैन भी हमारे आते हैं साइंस में. माइटोकॉन्ड्रिया कौन है? अल्टमैन ने क्या बताया बच्चे? अल्टमैन ने खोज की किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया. किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया? अल्टमैन ने बताया. बी बिल्कुल
हाँ सौरभ भी, हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके। देखिए जो आपके अल्टमैन हैं इन्होंने किसके नाम किसके बारे में बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया, जबकि इसका नामकरण किसने किया, आपके बेंडा नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका क्या किया, नामकरण किया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चे, ठीक है चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्लियर, क्या किसकी बुक है बच्चे, हिस्टोरिका एनिमेलिया अरस्तु की बुक है, एरिस्टोटल की बुक है, जबकि थियोफेस्टस की हिस्टोरिका प्लांटेरियम है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे प्लांट स्पीशीज के बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, किसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, बताएं। बहुत बार ये पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। मैम एएलपी का रिक्वायरमेंट कब से आएगा, एएलपी का ही चल रहा बच्ची, ये सारे क्वेश्चन एएलपी में पूछे जा चुके हैं, पूछते भी हैं। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है बच्चे, सेल को कहा जाता है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं नीरज, विनय। जबकि टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं आपके ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड ओरिजन। टिश्यू हम किसे कहते हैं, जो अपने कार्य में, संरचना में और उत्पत्ति में समान हो, उसी को क्या कहा जाता है बच्चे, टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब अगर हम कहें कि एनर्जी करेंसी कौन होता है, यहीं पे कुछ लोग बताएंगे जो क्लास में होते हैं, बताओ एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया किसका फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, और एटीपी को ही क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। राइबोसोम देखो, बहुत अच्छा, प्रोटीन फैक्ट्री हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोला जाता है, राइबोसोम को बोला जाता है। दैट मीन्स क्या है, आपका जो जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वो क्या है, कोशिका है, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है सेल को। ठीक है, नियर एएलपी का वैकेंसी कब तक आएगा, आएगा बच्चे, सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आने वाला जब होगा, अभी क्लास में ध्यान लगाओ, है ना। हाँ बिल्कुल, एटीपी देखो, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इसी तरह आप लोग सब लोग जुड़े रहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जीवित कोशिका की खोज, मतलब लिविंग सेल, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, लिविंग सेल की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, हमने अभी आपको बताया इसका आंसर क्या होगा, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, बिल्कुल एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, हाँ बिल्कुल नीरज, आशीष, बिल्कुल एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने की बच्चे। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, बेशक इन्होंने सेल की ही खोज की थी, लेकिन इनकी सेल जो बताई वो किस नेचर की थी, वो नॉन लिविंग नेचर की थी, कैसी थी बच्चे, नॉन लिविंग नेचर की थी। एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले बताया किसके बारे में, सेल के बारे में, वो भी लिविंग सेल के बारे में। बेंडा भी हम लोग नामकरण पढ़ ही चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया। बोवरी ने क्या किया, सेंट्रोसोम के बारे में, किसके बारे में बच्चे, सेंट्रोसोम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, बोवरी ने बताया। बहुत अच्छे बच्चों के सभी, देखिए कितने अच्छे आंसर आ रहे हैं आप सबके। देखिए तो क्वेश्चन क्लियर हुआ, लिविंग सेल्स, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स, तो किसने बताया, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने बताया। अब थोड़ी सी टफनेस की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है, ये तो अभी इजी क्वेश्चन हो गए। चलिए
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? बच्चे मानव शरीर की बोला गया है। न्यू बैच कब से चालू होगा? जल्दी से स्टार्ट होगा गजेंद्र। देखो ये है आपका ओवम, न्यूरॉन, बाउंडेड स्पर्म या लीवर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है आपकी? देखा जाए तो बच्चे न्यूरॉन, बिल्कुल हाँ। अरे लीवर नहीं होती है बीके, लीवर कहाँ से हो गई? लीवर देखो ये जो आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखिए, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। देखो जो आपका ये ओवम है, ये ओवम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। कौन सी? सबसे लार्जेस्ट सेल जो है, क्या लार्जेस्ट सेल कौन सी है बच्चे? लार्जेस्ट सेल आपकी है ओवम। ओवम ये कहाँ होता है? ये फीमेल ओवम है, जो अंडाणु होता है। हाँ बिल्कुल, अब दिख रहा है अमरजीत आपका बहुत अच्छा कमेंट दिख रहा है ना। तो ओवम जो फीमेल में ओवम बनता है फर्टिलाइजेशन के लिए, वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। देन आपका न्यूरॉन, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका, हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट कोशिका होती है। तभी तो क्या होता है, हमारे शरीर में पूरे बॉडी का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? न्यूरॉन करते हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन बाहर से होती है, तुरंत हमारे न्यूरॉन को पता लग जाता है कि कैसे काम कर रहा है ना। केमिस्ट्री भी होगी बच्चे। चलिए तो न्यूरॉन क्या है? लॉन्गेस्ट सेल होती है। स्पर्म क्या है? देखिए स्मॉलेस्ट सेल होती है, हम ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? स्पर्म होती है, ठीक है। ये मेल स्पर्म है, ठीक। आगे लीवर जो है बच्चे, लीवर आपकी सबसे ज्यादा डिवाइड होने वाली सेल क्या है? सबसे ज्यादा डिवाइड होने वाली सेल कौन सी होती है आपकी? लीवर। सबसे ज्यादा डिवीजन किसमें होता है? लीवर में होता है। जबकि आपकी जो न्यूरॉन है बच्चे, ध्यान में रखिएगा, न्यूरॉन में सबसे कम डिवीजन होता है, मतलब सबसे कम विभाजित होने वाली कोशिका कौन है? सबसे कम विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी है बच्चे? आपकी न्यूरॉन है। अगर यहीं पे हम आपसे पूछें कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका, हाँ कमेंट करो। माइकोप्लाज्मा, बिल्कुल सही है। क्या है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका बताएं बच्चे, ऑस्ट्रिच एग। क्या है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ा है। एक्सपेक्ट, हाँ आएगी जल्दी, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, ओवम जो है ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका होती है। किसमें पाई जाती है? फीमेल में। स्पर्म मेल में पाया जाता है, सबसे छोटी कोशिका होती है। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका और सबसे कम विभाजित होने वाली कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा डिवाइड होने वाली कोशिका कौन सी है बच्चे? लीवर सेल है। कौन सी? लीवर कोशिका सबसे ज्यादा डिवाइड होती है। हाँ बताओ मनीष, क्या है भाई? पीएच वाई। अच्छा चलो आगे देखो, सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, यह किसने बताया? इसका आंसर करो। हाँ मनीष, तुम्हारी समस्या सुनी जाएगी, ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ, कोशिका पूछा गया है, हु वॉज द फर्स्ट टू टेल दैट सेल मेल्टिंग टू बी द फाउंड इन द प्लांट्स? किसने सबसे पहले बताया कि प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है? किसने बताया? मैथियस स्लाइडेन, थियोडोर स्वान, रुडोल्फ विर्चो। बहुत बार पूछा गया हो, बिल्कुल ध्यान में रखना। बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, ए सी बी सब मिक्स दे रहे हैं ना। थोड़ा क्लास और ध्यान से पढ़ा करिए, कैसे काम बनेगा, है ना। देखो मैथियस, इसका जो सही आंसर आपका जाएगा, ये थियोडोर स्वान है। ये कौन थे बच्चे? ये आपके जूलॉजिस्ट थे। कौन है बच्चे? जूलॉजिस्ट हैं। लेकिन इन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। दैट मीन्स सेल वॉल इज द यूनिक फीचर, सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल।
प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, तो क्या एनिमल सेल में पाई जाती है, आंसर करें। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। चलिए अच्छा, मैथियस स्लाइडन ये क्या है ये बच्चे, ये आपके बॉटनिस्ट थे, क्या थे, बॉटनिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि प्लांट सेल, प्लांट जो है, पौधा जो होता है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है। प्लांट सेल बहुत सारी सेल से बनी हुई हैं, बहुत सारी, लॉट्स ऑफ कोशिकाओं से, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई हैं, और जो मिलके क्या बना लेते हैं, टिश्यूज़ बना लेते हैं, ऊतक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, यहीं पे देख लेते हैं। इसके पहले एक और पॉइंट देखो यहाँ पे, इन्हीं दोनों ने मिलकर एक बात बताई, क्या बताया, सेल थ्योरी के बारे में बताया। किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में बताया, मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया, पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत मैथियस स्लाइडन और श्वान दोनों ने दिया। हाँ बिल्कुल अच्छा, चलो देखो रुडोल्फ विर्चो की भी थोड़ी सी बात कर लो यहाँ पे। इन्होंने इनका नाम आता है जो आपकी न्यू सेल थ्योरी, क्या न्यू सेल थ्योरी के बारे में किसने बताया, तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया। और इन्होंने बताया कि जो सेल बनती है वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। मैम बायोलॉजी आने लगेगी, ध्यान दीजिए, ठीक है। किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, मतलब कोई भी सेल है वो अपनी मदर सेल से ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे। रुडोल्फ विर्चो ने ये भी पूछा जाता है न्यू सेल थ्योरी किसने दी, तो रुडोल्फ विर्चो ने दी। सेल थ्योरी किसने दी, आपके मैथियस स्लाइडन एंड स्वान साहब ने दी। क्लियर हुआ यहाँ तक, तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कोई भी समस्या, दर्द, परेशानी हो तो पूछते चलिएगा साथ में। अच्छा चलिए देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति के ऊपर किसकी परत पाई जाती है। बहुत अच्छा, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बच्चे, कई बार ये पूछा गया है और हम लोग थोड़ी सी कंफ्यूजन में इस चीज़ को गलत कराते हैं। पूछा गया कोशिका भित्ति के ऊपर किसकी लेयर पाई जाती है, विच लेयर इज फाउंड अबव द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर किसकी परत पाई जाती है, फटाफट बताएं किसकी, पेप्टिडोग्लाइकॉन की या ग्लाइकोकैलिक्स की या म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। तो बच्चों देखो, ये सभी नहीं बच्चे, हाँ अर्धपारगम झिल्ली होती है, बिल्कुल सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन पूछा जा रहा है किसकी परत पाई जाती है, बिल्कुल किसकी परत पाई जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पाई जाती है। मैंने आपको क्लास में इस तरह से कुछ बना के बताया भी था फिगर आपकी बैक्टीरियल सेल की, कि इसके ऊपर किसकी परत पाई जाती है, आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की परत पाई जाती है, ठीक है। ये सबसे बाहरी लेयर होती है जिसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। और ये ग्लाइकोकैलिक्स बनती किससे है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या है, आपका ग्लाइकोकैलिक्स है। पेप्टिडोग्लाइकॉन के बारे में एक बार फिर से देखिए, पेप्टिडोग्लाइकॉन क्या होता है, जो आपकी बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल है, ये तो आपकी क्या हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स हो गई। और ये जो आपकी सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है, ये आपकी पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, किसकी, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। अच्छा चलिए आगे देखिए, तो आपको याद रहा कि आपकी प्रोकैरियोटिक्स के ऊपर या बैक्टीरियल सेल के ऊपर पूछे किसकी लेयर पाई जाती है, तो किसकी लेयर पाई जाती है, आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है बच्चे, जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो आगे की ओर चलते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, कई बार पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से इसका आंसर करिए आप लोग। बिल्कुल आप जब डीपनेस से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्यों परेशान हो। देखो ये पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति
कौन कौन में कौन कौन सी शुगर, विच शुगर इज फाउंड इन द सेल ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें कौन कौन सी शुगर पाई जाती है। तो पहले तो यही बताओ बच्चों कि बैक्टीरिया की सेल वॉल, अभी हमने आपको बताया किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। अब इसको हम लोग दो भागों में देखो पढ़ते हैं, एक तो आपके पेप्टाइड हो जाते हैं और दूसरे ग्लाइकॉन हो जाते हैं। जो ये पेप्टाइड है बच्चों, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, प्रोटीन का फॉर्मेशन, दैट मीन्स अमीनो अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं। जो ग्लाइकॉन है ये बच्चे किसका है, ग्लूकोज के फॉर्म में रहती है, दैट मीन्स शुगर के फॉर्म में होती है। और जो ये शुगर पाई जाती है वो कौन कौन सी शुगर पाई जाती है, फर्स्ट इज द नैग, इसको बोलते हैं एन ए जी, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, क्या बोलते हैं, नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसा, ये ग्लाइकोसामीन नहीं है, ग्लूकोसामीन है, ठीक है, ग्लूकोसामीन होता है, ठीक है। और दूसरा होती है बच्चे नैम, एन एसिटाइल न्यूमेरिक एसिड, न्यूमेरिक है, इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा, न्यूमेरिक एसिड होती है। मतलब दो तरह की शुगर्स पाई जाती हैं, कौन कौन से शुगर, एक आपकी नैग पाई जाती है और एक आपकी नैम। इसका बच्चे फुल फॉर्म भी आपके इसमें कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एंड नैम का मीन्स क्या होता है, एन एसिटाइल न्यूमेरिक अम्ल होता है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, बताएं फटाफट, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। दैट मीन्स आंसर क्या हुआ, बिल्कुल सी, क्या आंसर हुआ, सी आंसर हुआ, मतलब दोनों शुगर पाई जा रही हैं। चलो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका कह रहा है कि कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, जो हमारे यूकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की या सेल्युलोज की, गैलेक्टोज की, या ये सभी की। तो ध्यान रखेंगे, जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चे वो किसकी बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। ये किसमें देखा गया कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये आपके आरबीसी का अध्ययन किया गया, किसका, आरबीसी रेड ब्लड सेल का अध्ययन किया गया, बिल्कुल। और बताया कि हमारे जो हमारी सेल वॉल होती है इसमें दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक आपका होता है लिपिड एंड दूसरा होता है आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। लिपिड 52% एंड प्रोटीन कितना, 40% पाया जाता है। इसकी और बच्चे फर्दर स्टडी की गई और ये बताया गया कि इसमें लिपिड और प्रोटीन के अलावा कुछ कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा, आजकल क्वेश्चन ट्रेंडी हो गया और वो पूछा जाता है कि लिपिड और प्रोटीन के अलावा और कौन सा तत्व इसमें मिलता है, तो वो कौन है बच्चे, वो है कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। किसमें, आपकी सेल वॉल में। जब बायोकेमिकली इसकी स्टडी हुई तब पाया गया कि लिपिड प्रोटीन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज में क्या होता है, ये जो आपकी जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी, प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। गैलेक्टोज किसमें होता है, जो आपके एल्गी होते हैं, ठीक है, एल्गी की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, गैलेक्टोज की बनी होती है। मतलब उसमें सेल्यूलोज भी होता है, गैलेक्टोज भी होता है और मैनन भी होता है। तो हम लोग अगर थोड़ा सा टिक करें, अपने माइंड में दिमाग लगाएं, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन करके, हाँ बिल्कुल ग्लूकोज, बिल्कुल सही कह रहे हैं अभिषेक, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लिपिड एंड प्रोटीन, क्या, लिपिड एंड प्रोटीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला जा रहा है, कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया, पूछा जा रहा है सेल मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया। कई बार रेलवे में तो भर भर के ये एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, या तो एक बार इनका नाम पूछ लिया जाता है या फिर इसकी संरचना पूछ ली जाती है। कैसे, जो आपका सेल मेम्ब्रेन मॉडल है वो किसने दिया बच्चे, सिंगर एवं निकोलसन ने दिया। किसने दिया,
सिंगर और निकोलसन ने दिया, ये हमारे मॉडल में इन्होंने ये बताया कि जो हमारे यूकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कुछ ऐसी होती है, दैट मीन्स क्या एक्वाटिक इन नेचर होती है, और ये कुछ जुड़े हुए ऐसे इसमें प्रोटीन होते हैं और इनकी ऐसी ये टेल निकली हुई होती है, जो बेसिकली काम क्या करती है, ये हमारे शरीर में जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है और दूसरे जितने भी आयनिक तत्व हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, इनको शरीर से अंदर बाहर करने का काम करती है। अगर हम लोग इसकी एक ये उठा के देखें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड होता है ये वाला भाग, और ये क्या होता है, टेल होता है। इसको क्या किस नेचर का होता है, पोलर नेचर का होता है। जो टेल होती है ये नॉन पोलर नेचर की होती है, साथ ही साथ बहुत विशेष स्थिति पाई जाती है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। किस नेचर का, हाइड्रोफिलिक नेचर का। जबकि देखो टेल की बहुत बेकार आदत है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है। ये क्या, फोबिक मतलब क्या होता है, डरावना है ना। दैट मीन्स ये देखो फिलिक शब्द जुड़ गया, तो फिलिक का मतलब क्या होता है, लव से, और हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर से। तो ये जो हेड वाला भाग है ये वाटर को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। जबकि जो आपका टेल वाला भाग है ये फोबिक मतलब क्या होता है, फियर होता है। फोबिक मतलब क्या होता है, फियर होता है। दैट मीन्स ये पानी से दूर भागता है। तो ये ऐसे 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 मूवमेंट करते हैं, तो गैसेस हो गई, बहुत सारे तत्व हो गए जो क्या करते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की ओर सेल से आते जाते रहते हैं, है ना। हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था उसमें बहुत अच्छे से, ठीक। स्लाइडन एंड स्वान ने क्या दिया, सेल थ्योरी, अभी हम लोगों ने देखा ही किसके बारे में, सेल थ्योरी के बारे में देखा। रोडोल्फ विर्चो ने भी क्या बताया, इन्होंने अब बताया कि सभी सेल्स जो होती हैं ये कैसी बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी होती हैं। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो इन्होंने किसके बारे में बताया, इन्होंने बताया केंद्रक के बारे में, कि सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है जो जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए आरएनए को अपने अंदर कैरी करता है, और जब विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो यही केंद्रक विभाजित होकर न्यू कोशिका बनाता है, और हमारा जो जनरेशन होता है डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसी से ट्रांसफर होता है। तो क्लियर हुआ कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया था, बताएं किसने दिया था, बिल्कुल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। सभी बच्चे बहुत सही आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चों का बी 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 देख के बहुत खुशी हो रही है। हाँ बिल्कुल, पीडीएफ मिलेगा राजू, इसी से अटैच करवा देंगे पीडीएफ। आगे देखो एंडोसाइटोसिस क्या है, ये अभी नया ट्रेंडी क्वेश्चन पूछा गया है, एंडोसाइटोसिस क्या है, होता क्या है बच्चे। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अभी हम लोग थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या काम करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। किसका, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगी, पानी का, खाने का काम करते, खाना जो चाहिए उसको भेजने का काम करेगी, पानी को भेजने का काम करेगी, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं सेल के अंदर उनको भेजने का काम करेगी। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन में बच्चे ये तीन तरह से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, और तीसरा आपका बल्क ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या है, बल्क ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो आपका बल्क ट्रांसपोर्टेशन है ये बच्चे दो तरह का होता है, एक आपका एंडोसाइटोसिस, क्या बच्चे, एंडोसाइटोसिस, और दूसरा एक्सोसाइटोसिस होता है। जो एंडोसाइटोसिस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, देखो कितना घुमा के, कितना अंदर से ले जाके क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। अब एक बार देखना क्या होता है, ये एंडो मीन्स क्या है, अंदर लेना, किसी भी चीज़ को खाना, अंदर की तरफ लेना, तो मतलब क्या है, सेल के विद इन करना, ठीक है। अब सेल के लिए क्या चाहिए, फूड की जरूरत होगी और पानी की जरूरत होगी, दो ही चीज़ की। तो यहाँ पे दो तरह की होती हैं सेल, एक आपकी पिन्नोसाइटोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिन्नोसाइटोसिस बोलते हैं, और एक आपकी होती है फैगोसाइटोसिस। दो तरह की सेल होती हैं, एक आपकी पिन्नोसाइटोसिस और दूसरी
फैगोसाइटोसिस। हाँ बिल्कुल, ऐप पर ही मिलेगी आपको क्लासें। देखो ये क्या कह रहा, पहला ऑप्शन कोशिका के अंदर पानी आने की क्रिया, दैट मीन्स ड्रिंकिंग प्रोसेस जो बोल रहा है। क्या बच्चे? ड्रिंकिंग प्रोसेस। ड्रिंकिंग प्रोसेस क्या है आपकी? पिनोसाइटोसिस। कोई भी सेल अपने आप को जो ड्रिंक करती है, पानी पीती है, उसे क्या कहा जाता है? पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। और जो खाना अंदर लेती है उसे क्या कहा जाता है? फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजन अंदर लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है? फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। दैट मीन्स क्या है? पानी को अंदर पीना और भोजन को खाना ही क्या है? दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज द ए एंड बी, मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इसको भी देख लो, ये क्या है? कोशिका से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया, इसको बोला जाता है बच्चे ये आपका क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस। किसी भी अवशिष्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। बिल्कुल सही डी आंसर, जितने भी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पिनोसाइटोसिस भी पूछा गया है आपके इसमें, फैगोसाइटोसिस भी पूछा गया है, एक्सोसोम एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस भी पूछा गया है। पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगी बच्चे, ऐप डाउनलोड करिए, ऐप में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मतलब सेल वॉल की बात की जा रही है कि प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है। ऐप पर क्लासेस कब होंगी? ऐप पर होंगी बच्चे, ऐप पर थी तो चली रही थी क्लासे, है ना। चलिए, सेल वॉल किसकी बनी होती है? किसकी सेल वॉल पूछ रहा है? प्लांट की सेल वॉल पूछ रहा है। आंसर करिए किसकी होगी, किसकी बनी होती है? क्या काइटिन की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन सेल्यूलोज मैनन। देखो बच्चों, जो इसका आंसर है वो क्या है? जो आपकी काइटिन होती है इसकी, ये किसकी बनी होती है? जो आपकी फंगी है, फंगी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। ध्यान में रखिएगा। हाँ बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान में रखिएगा आप, और भी रिलेट कर लो, जो फंगी की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकॉन अभी हमने देखा किसकी होती है, जो आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल होती है। किसकी सेल वॉल? बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है बच्चे? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। सेल्यूलोज को देखो, सेल्यूलोज की क्या, आपकी जो प्लांट सेल होती है वो किसकी बनी होती है? जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है बच्चे, ध्यान में रखिएगा, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। दैट मीन्स क्या है, इसके अलावा और भी तत्व इसमें पाए जाते हैं, जैसे और किसकी बनी होती है? हेमी सेल्यूलोज की भी बनी होती है। साथ ही साथ ये आपके पैक्टिन भी इसमें पाया जाता है एंड प्रोटीन भी पाया जाता है। अब कंप्लीट हो गया ये सेल्यूलोज, तो बच्चों वाली बात हो गई बच्चे की। ये सेल्यूलोज किसमें? बच्चों वाली बात में हम पढ़ते थे ना छोटी कक्षाओं में, क्लासेस में, कि प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। तो अब क्या कॉम्पिटिशन के दौर पर बस यही पूछेगा? नहीं, क्या पूछता है कि सेल, जो प्लांट सेल की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज भी होता है उसमें, हेमी सेल्यूलोज भी होता है, पैक्टिन होता है एंड प्रोटीन भी होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैनन क्या होता है? मैनन भी देख लो, जो आपकी एल्गी होती है, सैवाल जो होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है वो भी किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है, प्लस मैनन की बनी होती है, प्लस इसमें गैलेक्टोज भी पाया जाता है। क्या? गैलेक्टोज भी पाया जाता है। तो आपकी जो एल्गी की सेल वॉल होती है ये मैनन, वहाँ से उठा के आपसे पूछा गया है। तो क्लियर हुआ किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन, मिडिल लैमिला। अब ये बताओ मिडिल लैमिला क्या होता है? मिडिल लैमिला की रासायनिक, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ मिडिल लैमिला? मिडिल लैमिला किससे मिलकर बना होता है? पहले यही देखो कि मिडिल लैमिला बच्चे होता क्या है। जैसे हमारी दो सेल होती हैं,
जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग अच्छे से ध्यान देंगे, और जिन लोगों ने क्लासेस ली है उनकी तो बात ही नहीं है। देखो जैसे ये हमारी सेल नंबर 1 है और सेल नंबर 2 है, ये यहाँ से जुड़ी हुई है, दिख रहा है जुड़ी हुई है। तो ये जिससे जुड़ती है, कोई भी दो सेल जब आपस में जुड़ती हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, मिडिल लैमेले बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिडिल लैमेले बोला जाता है। ये काम क्या करता है बच्चे, एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ ये क्या है, ये इसकी एक सीमेंटिंग लेयर होती है, ठीक है, ये पूछा गया है। सीमेंटिंग लेयर बनाता है, कौन बनाता है, मिडिल लैमेले बनाता है। अब पूछा जा रहा है जो ये सीमेंटिंग लेयर बनी है वो किसकी बनी है। हाँ बताओ आंसर, बताओ संजय कुमार, मनीष कुमार, स्मार्ट वृंदा, अच्छा चलो डी ऑप्शन बोल रहे हैं, ए एंड सी, कैल्शियम पैक्टेट, बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। मैग्नीशियम पैक्टेट भी सही है, बिल्कुल सही आपका आंसर क्या है, डी ऑप्शन सही है। कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट दोनों की बनी होती है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा जो मिडिल लैमिले है ये कैसी होती है, ये थिक इन नेचर होती है, ठीक है, थिक इन नेचर होती है। जब हम लोग अमरूद कच्चा होता है तो क्या कोई खा पाता है, ऐसे दांत से तोड़ के खा लेते हो, नहीं खाते हो। जब पक जाता है तो हम लोग आराम से ऐसे ऐसे खा लेते हैं। तो पकता क्या है, अमरूद के अंदर जो होता है वो पकता क्या है, वो जो राइपिंग स्टेज है वो क्या है, वो मिडिल लैमिले ही। कोई भी फल जब राइपिंग स्टेज में होता है तो सॉफ्ट हो जाता है, उसके पहले क्या होता है, हार्ड होता है। तो दैट मीन्स जब ये मिडिल लैमिले राइप हो जाता है तो फल हमारा सॉफ्ट हो जाता है और हम लोग आराम से खा लेते हैं ना। अभी कुछ दिन पहले मैंगो का सीजन था तो कच्चे मैंगो भी खाए, फिर पके मैंगो भी खाए, फिर उनका अचार भी डाल के खाए और भी खाते जा रहे हैं। तो क्या है, मिडिल लैमिला जब पकता है तो कोई भी फल क्या होता है, पक जाता है, राइपिंग स्टेज में आ जाता है। राजू राजपूत बिल्कुल सही, ठीक है चलो आगे चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा किस में पाया जाता है। बच्चे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्लाज्मोडेस्माटा किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, पादपों में पाया जाता है या जीवों में या दोनों में। चलो पहले देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा चीज क्या होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठा देते हैं प्यारे बच्चों को परेशान करने के लिए, है ना। तो देखो ये प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है, ये जैसे आपकी कोई दो सेल होती हैं बच्चे, क्या है, कोई भी दो सेल हैं आपकी। अब इन सेल्स में क्या होता है, सेल आपस में जुड़ी हुई हुई हैं, है ना, क्या होती हैं, सेल आपस में जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं, अभी हमने आपको बताया किससे जुड़ी हुई होती हैं सेल, आपके मिडिल लैमिले से जुड़ी हुई होती हैं। ये क्या है, मिडिल लैमिला है। दो सेल, ये सेल आपकी क्या है, सेल नंबर 1 और ये क्या है, सेल नंबर 2, ये जुड़ी किससे है, मिडिल लैमिले से जुड़ी हुई है, मिडिल लैमिले से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब काम क्या होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है बच्चे, आपका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में क्या करने के लिए, साइटोप्लाज्म के ट्रांसफर के लिए, किसमें, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो साइटोप्लाज्म का, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सी आंसर बता रहे हैं, दोनों में नहीं भाई, सी सी सी, कितना क्वेश्चन कराएंगे, अभी कराएंगे बच्चे क्वेश्चन, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी ख़त्म कहाँ हुआ है, सी, सब बच्चे सी बता रहे हैं, यही तो परेशान कर देते हैं एग्जाम वाले, ये जो दोनों तीनों दे देते हैं ना, इसी में हम सब परेशान होते हैं, ठीक है। देखो अब बताओ, मैं पहले समझो चीज़ों को, पूछ क्या रहा है, ये दो आपकी सेल है, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, ये मिडिल लैमिले है, मिडिल लैमिले का में भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, क्या है, साइटोप्लाज्म, और सेल के अंदर भी क्या है, साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर भी क्या है, साइटोप्लाज्म है।
अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, इधर उधर ट्रांसफर होता है। ये यहाँ चले जाते हैं जब इनका मन करता है और कुछ इधर आ जाते हैं, तभी पूरा फल पकता है ना, राइपिंग स्टेज होती है। तो ये जो इससे आने और जाने की क्रिया होती है, वही आपका होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। अब ये बताओ, हम बार बार फल बोल रहे हैं कि फल पकते हैं, तो जीवों में तुम लोग कैसे लगा रहे हो, ये हमें बताओ, जीवों में कैसे आंसर हो जाएगा। हम अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताएं कि फलों में होता है और ये हम लोग खाते हैं, राइपिंग स्टेज करवाता है, और आप बता रहे हो दोनों में, तो अब क्या ही बताएं आपको। दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। किस में पाया जाता है बच्चे, पादपों में पाया जाता है, बिल्कुल चंचल। देखो चंचल का बिल्कुल सही आंसर आया, रवि का आया, मनीष का आया, आप सबके, संजय कुमार के आ रहे हैं, ठीक है। किस में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। काम क्या करता है, कोशिका द्रव्य, एक कोशिका का कोशिका द्रव्य या मिडिल लैमिले का कोशिका द्रव्य एक सेल से दूसरे सेल में जाता रहता है। और ये देखो, ये जो आपका प्लाज्मोडेस्मेटा बना होता है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये किससे बना होता है, ER से बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना होता है। किससे, एंडोप्लाज्मिक, बिल्कुल सही बात। ये किससे बना होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, किससे बनता है, ये आपका बनता है बच्चों किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अंतःप्रादव्य जालिका से बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन, चले आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंतरिक झिल्ली, विच ऑर्गेनली आर फाउंड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसका आंसर करो। बहुत बढ़िया, जो लोग आंसर करेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल दिया जाएगा। हाँ चलो देखो, कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं बच्चे, टिक करें। देखो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, आप देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो ये जैसे हमारी क्या है, एक सेल है, ठीक है, क्या है बच्चे, एक सेल है। हमने क्लास में आपको बताया था कि एक ऐसे न्यूक्लियस होता है सेल में, सेल के अंदर, और इसी सेल के चारों तरफ, चूंकि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, तो इसके चारों तरफ जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी क्या, ए सी आंसर आ रहा है। अच्छा चलो अब बताना, हम एक बार समझा दे रहे हैं फिर आंसर करना, बच्चे कन्फ्यूज्ड है ना। अच्छा ठीक है, देख सोचते हैं, ठीक है, आपकी बात पे गौर किया जाएगा। अच्छा देखो होता क्या है, चलिए हाँ देखो, अब क्या है, ये क्या है बच्चे, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। और इसी से क्या होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, वेसिकल्स बोला जाता है। और इसी के साथ लगी होती है बच्चे गॉल्गी बॉडी आपकी, क्या लगी होती है, गॉल्गी बॉडी, क्या, गॉल्गी बॉडी लगी होती है। और गॉल्गी बॉडी ये जो वेसिकल्स होते हैं इनको डाइजेस्ट करने का काम करती है, और ये डाइजेस्ट करके दो चीज बनाती है, एक बच्चे यूजफुल थिंग्स बनाती है और दूसरा वेस्टेज बनाती है। जो यूजफुल बनाती है उसको बोला जाता है लाइसोसोम बोला जाता है, और ये क्या है, ये बन गया वैक्यूल्स बनता है। तो अब बताओ क्या क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है, कपिल, रघु, राजू, कौन सा ऑप्शन बता रहे हो, राजू, रघु, सही बोला हो, सही बताओ। देखो लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम तो नहीं दिख रहा है कि दिख रहा है, अच्छा चलो इसको कंसीडर करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया तो कतई नहीं दिख रहा है इसमें, दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं दिख रहा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन ए गलत। दूसरे में चेक करो, गॉल्गी बॉडी है, राइबोसोम के बारे में अभी एक फैक्ट बताएंगे, सेंट्रोसोम ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये भी गलत, ऑप्शन बी भी गलत। सी में चलो, अंतःप्रादव्य जालिका,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःप्रारंभ जालिका ही कहते हैं। बिल्कुल सही है, गॉल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है आपके, और वैक्यूल्स भी है। तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज द सी। हाँ बिल्कुल संजय, मनीष, अब सही आंसर आ रहे हैं आपके। करेक्ट ऑप्शन रवि क्या है? करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, सही है। देखो राइबोसोम एक बार हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बच्चे दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और दूसरे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसमें राइबोसोम चिपके रहते हैं, इसलिए हम लोग राइबोसोम को कंसीडर भी कर लेते हैं अगर ऑप्शन में इसमें दिया होता। लेकिन और ऑप्शंस हमारे गलत हैं, और ऑप्शंस में ये सब नहीं होते, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन इज सी जाएगा। क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं आगे। कौन से कोशिकांग द्वि स्तरीय होते हैं? डबल मेम्ब्रेन, अर्चना कुमारी। अच्छा, कौन से कोशिकांग डबल मेम्ब्रेन होते हैं, द्वि स्तरीय होते हैं? सी ऑप्शन, प्लास्टिड बता रहे हैं खान साहब, प्लास्टिड नहीं है। चलो देखो कौन कौन से होते हैं आपके कोशिकांग की बात करें तो कुछ कोशिकांग डबल लेयर होते हैं। तो इसमें देख लो, इसी में देख लो, जो माइटोकॉन्ड्रिया हो, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है, केंद्रक डबल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब ऑप्शन डी सही है। तो सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं ये भी देख लो। तो आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा आपका गॉल्गी बॉडी है ना, गॉल्गी बॉडी ये भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, लाइसोसोम ये भी सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, और वैक्यूल्स, क्या बच्चे वैक्यूल्स भी कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन के होते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक ऐसे ऑर्गन का नाम बताओ जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। राइट आंसर इज डी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ऐसा ऑर्गन्स बताओ जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, तो दैट इज द राइबोसोम। कौन सा ऑर्गन है वो? तीसरा आपका राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, इसीलिए ये एक ऐसा ऑर्गन्स भी है जो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है। किसमें? यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ, ये डबल मेम्ब्रेन, ये सिंगल मेम्ब्रेन, और एक बिना मेम्ब्रेन का वो है हमारा कौन सा? राइबोसोम। इज दिस क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतःप्रारंभ जालिका में राइबोसोम कहाँ पे मिलते हैं? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार रिपीटेड करके पूछा गया है आपके सारे एग्जाम में पूछा गया है। हाँ अच्छा, पूछा गया है कि राइबोसोम कहाँ पे मिलते हैं। तो अभी हमने आपको एक फिगर बनाया था, ये न्यूक्लियस और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था, और इस रेटिकुलम में हमने ऐसे छोटी छोटी ये क्या बनाए थे? राइबोसोम बनाए थे। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान में रख लेना, डी ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, ल्यूमेन नहीं है बच्चे, अभी ल्यूमेन बता रहे हैं क्या है, ठीक है ध्यान दो क्या है। देखो ये जो आपकी चिकनी सतह होती है इसको टिब्यूल्स बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टिब्यूल्स बोला जाता है। इसको बोला जाता है सिस्टर्ने, क्या बोला जाता है? सिस्टर्ने। तो राइबोसोम किस में लगे हैं आपके? सिस्टर्ने में लगे हैं। तो राइबोसोम कहाँ पे पाए जाएंगे बच्चे? सिस्टर्ने में पाए जाते हैं। देखो टिब्यूल्स क्या है, ये जो आपकी चिकनी चिकनी लेयर होती है इसके बाद, मतलब हम ये कह सकते हैं जो SER होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो कहाँ पे पाए, वो कौन सी जगह है? टिब्यूल्स, जिसमें आपके राइबोसोम पाए जाते हैं उसको बोला जाता है सिस्टर्ने, और ये जो खाली स्पेस है इसको बोला जाता है ल्यूमेन, क्या बोला जाता है बच्चे?
ल्यूमेन। हाँ अब बिल्कुल देखो सही बच्चों के आंसर सही आने लगे। वेसिकल क्या होते हैं? वेसिकल आपके ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं। ये किसके बने होते हैं? ये लिपिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बच्चे? लिपिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं। बिल्कुल सही आंसर संजय, रवि, रघु, ठीक है। किसके बने होते हैं? लिपिड एंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कौन से अंतः प्रादव्य जालिका लिपिड और स्टेरॉल की सिंथेसिस करते हैं? दैट मीन्स लिपिड और स्टेरॉल को कौन बनाते हैं? बिल्कुल हाँ सब लोग लिपिड। मैम आपका ऑफलाइन क्लास, हाँ बिल्कुल ऑफलाइन मरीज चलता है, ठीक है। अच्छा चलो देखो, कौन से अंतः प्रादव्य जालिका लिपिड और स्टेरॉल बनाते हैं? कौन से बनाते हैं? SER या ER? RER या दोनों? आंसर करो बच्चों, कौन से बनाते हैं? देखो जो आपके लिपिड और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, किसके, सॉरी लिपिड एंड स्टेरॉल, स्टेरॉल की सिंथेसिस करते हैं, वो बच्चे आपके SER हैं, ठीक है। और जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ध्यान में रखना, कई बार इसको पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। मैम आप कहाँ से हैं? अच्छा ये किसके ही है? ये क्या बनाता है? RER, ठीक। ये क्या बनाता है? RER। RER जो होता है वो किसकी सिंथेसिस करता है? वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। जबकि SER है क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि उसके पास राइबोसोम होते हैं, ठीक है। क्या, क्यों बनाता है? क्योंकि उसके पास राइबोसोम होते हैं। देखो एक वर्ड और आया है, बहुत महत्वपूर्ण है, राइबोफोरिन। ये क्या होता है? राइबोफोरिन, देखो होता क्या है बच्चे, जो आपके राइबोसोम होते हैं इनकी दो यूनिट होती है। किसकी? राइबोसोम की दो यूनिट होती है, एक होती है लार्जर, एक आपकी होती है लार्जर, और दूसरी क्या होती है? स्मॉलर यूनिट होती है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें यूकैरियोट्स में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। दो तरह के होते हैं, एक 70S के और एक 80S के। प्रोकैरियोट्स में 70S के मिलते हैं और यूकैरियोट्स में 80S के मिलते हैं। अच्छा अब देखो, जो ये आपके 80S है, या किसी को भी ले लो दोनों में, तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे सिस्टर्ने से लगे हुए होते हैं। पहले बड़ी यूनिट लगती है और इसके ऊपर छोटी यूनिट लगती है, ठीक है। मतलब इनकी दो यूनिट, एक आपकी 60S की होती है और एक आपकी 40S की होती है। तो जो बड़ी यूनिट है ये 60S की है और जो छोटी यूनिट है वो 40S की है। इसी तरह इसकी होती है 30S की एंड 50S की। जो बड़ी यूनिट है वो 50S की और जो छोटी यूनिट है ये 60S की है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, राइबोफोरिन से आता है। जो राइबोफोरिन है ये सिस्टर्ने से, जिस प्रोटीन से चिपके होते हैं उसको क्या कहा जाता है? राइबोफोरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस प्रोटीन से ये चिपके हुए रहते हैं वो कौन सी प्रोटीन है बच्चे? राइबोफोरिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन? राइबोफोरिन प्रोटीन, ध्यान में रखना, ठीक है। और एक ये भी ध्यान में रखना कि एक राइबोसोम दूसरे राइबोसोम से कैसे लगे होते हैं? mRNA से, ठीक है। किससे? स्मॉल कर लो, किससे? mRNA से लगे हुए होते हैं, मतलब जुड़े किससे होते हैं? mRNA से। पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। हाँ बिल्कुल, किसका आंसर सही है? संजय कुमार का। ओनली वन आंसर इज राइट। अच्छा रवि का भी है, रघु का भी है। चलिए तो क्लियर हुआ बच्चों, आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या 19 क्वेश्चन बोल रहा है, गॉल्गी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड और बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन, और अभी चल भी रहा है, पूछा जाता है। अच्छा हाँ तो बताओ इसका, पहले 19 का आंसर बताओ मनोज, आंसर बताओ, फिर हम लोग चलते हैं।
हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन भी बताएंगे, ऑनलाइन भी बताएंगे, है ना। ऐप में चलती हैं क्लासेस, कंटिन्यू चलती हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर लें। जीमैट एमजी रघु, आंसर बताओ इसका। कई बार पूछा गया है, सी आंसर, पोस्टमैन ऑफ द ऑफिस। अच्छा अब चलो, और कोई बताना चाहेगा? सी सी, अब तो बच्चे फिर कॉपी करने लगते हो तुम लोग, है ना। चलो देखो देखो, जो हमारी गॉल्गी बॉडी होती है ना, अभी हमने ऐसे ऐसे गॉल्गी बॉडी बना के आपको दिखाया था कैसे कैसे बनी होती है। ऐसे ऐसे गॉल्गी बॉडी हमारी बनी होती है, और ये इसके क्या होते हैं, टिब्यूल्स होते हैं, 1 2 3 4, या सिस्टर्ने भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इस ये क्या काम करता है, देखो बच्चों, गॉल्गी बॉडी कोई भी आपका लिपिड है, क्या लिपिड है या प्रोटीन है, इसको क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन को इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस मतलब क्या करता है, बनाता है, डाइजेशन करता है, फिर इसको पैक कराने का काम करता है, मतलब पैकेजिंग का काम करता है, और पैकेजिंग करवाने के बाद ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है। मतलब ये क्या है, ये हमारे किडनी ऑफ द सेल कह दें। अब हमारे हमको खाने पीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, और पीने के लिए पानी चाहिए, इतना ही चाहिए, ठीक है। बेसिक आधारभूत हमारे शरीर की यही ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान तो फिर सेकेंडरी है ना। पहले तो भोजन मिलना चाहिए हम सर्वाइव कर सकें। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसको किडनी ऑफ द सेल बोला जाता है। ट्रैफिक कंट्रोलर या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी गॉल्गी बॉडी को बोला जाता है, क्योंकि इसको पता है किसके पास क्या क्या पहुँचाना है, किसके पास प्रोटीन पहुँचानी है, किसके पास कार्बोहाइड्रेट, किसके पास विटामिन, ईच एंड एवरीथिंग गॉल्गी बॉडी नोज दैट, कि कहाँ पे क्या पहुँचाना है। तो ये क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन को क्या करता है, पहले प्रोसेस करेगा कि किसके किसके पास ज़रूरत है, फिर क्या करेगा, उसको पैक करेगा। जैसे आप ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में, है ना। तो हमने ऑर्डर किया कि हमें ये सामान चाहिए, तो वो क्या हो गई, फिर प्रोसेस हो गई, पैकिंग होके हमारे घर तक पहुंच जाती है। तो दैट मीन्स जैसे एक पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन भी होता है ना बच्चे, वो क्या करता है, हम लोग पहले तो चिट्ठियां लिखी जाती थी, अब तो सीधे मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप में, विद इन सेकेंड पहुंच जाता है। पहले क्या होता था, चिट्ठियां जाती थी, है ना, चिट्ठी आई रे आई रे, तो उसमें क्या होता था, पोस्टमैन चिट्ठी लेता था, फिर जहाँ तक पहुँचाना होता था वहाँ तक भेजी जाती थी, फिर डेस्टिनेशन में भेजी जाती थी। तो पहले प्रोसेस हुई, फिर पैकिंग हुई, और फिर क्या, ट्रांसफ़र होता था जिसके पास जाना है। मतलब लिपिड और प्रोटीन को सेल के अंदर जाना है तो वो इंटरसेल्युलर कहलाएगा, और सेल के बाहर जाना है तो सीक्रेशन कहलाता है। बिल्कुल, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज अ राइट। समझाने के बाद आपके सारे डी ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाते हैं। कॉन्टेक्ट आप ऐप में करिए, ऐप में नंबर दिया हुआ है बच्चे, ठीक है, ऐप से जुड़िए, बिल्कुल दिया हुआ है। तो दैट मीन्स ये क्या करता है, पूछा भी जाता है, ये पैकेजिंग और प्रोसेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपिड और प्रोटीन को कौन पैकेज करता है, गॉल्गी बॉडी, कौन प्रोसेस करता है, गॉल्गी बॉडी, कौन ट्रांसफर करता है, गॉल्गी बॉडी, तीनों चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, बहुत बेहतरीन। पादप, पादप है ना, पादप कोशिका में गॉल्गी काय को किस नाम से जाना जाता है। बच्चे जो प्लांट सेल में पूछा जा रहा है, प्लांट सेल में गॉल्गी बॉडी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, लाइसोसोम के नाम से, या डिक्टियोसोम, मीसोसोम, राइबोसोम, क्या आप आंसर करना चाहेंगे। तो देखो, पहले तो यही पूछा जाता है कि क्या प्लांट सेल में गॉल्गी बॉडी पाई जाती है, तो आप कहेंगे हाँ पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है, वो डिक्टियोसोम के फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में, डिक्टियोसोम के फॉर्म में पाई जाती है। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम सुसाइडल बैग, आत्महत्या की झिल्ली कहा जाता है, या आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना, आत्महत्या की थैली, मतलब सुसाइडल बैग, हम भी मरेंगे और तुमको भी साथ में लेके मरेंगे, है ना, यही काम करता है ये, जहाँ पे भी जाता है ब्लास्ट हो जाता है, और जितनी भी डेड सेल्स होती हैं उनको क्या करता है,
पूरी सेल्स को ब्लास्ट करके निकाल देता है। मीसोसोम एक इम्पॉर्टेंट है, ये क्या करता है, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। पहले तो ये देखो पाया कहाँ पे जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, प्लांट सेल में। काम क्या करता है प्लांट में, रिस्पायरेशन मतलब श्वसन में हेल्प करता है, फूड स्टोरेज का भी काम करता है। किसका, फूड स्टोरेज का काम भी कौन करता है, मीसोसोम करता है। देखो रघु का आंसर आ गया बी, हाँ बिल्कुल रघु बिल्कुल सही है, ठीक है आंसर क्या है, बी है। देन आपका राइबोसोम, इसको बता ही चुके हैं, ये क्या करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। किसका, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है, कौन करता है, राइबोसोम करता है। किसका काम करता है, प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है। तो देखो बच्चों क्या अच्छा आज इतने क्वेश्चन है, अच्छा चले तो सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चले, है ना। और ये हमारे ऐप में आपको देखिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप जहाँ भी कांटेक्ट करना चाहें तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। अब पूछिए आपके कोई डाउट हो क्वेश्चन वाले तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, कल आप फिर शानदार तरीके से जुड़िएगा और हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। और आप एश्योर्ड रहिए कि सारे जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे कहीं ना कहीं आपके पेपर में आए हैं या आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके आसपास और कितनी संभावना है नए क्वेश्चंस पूछने की, सारी चीज़ों को क्लियर करते चलते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई समस्या परेशानी ना हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू रवि बेटा।